हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंडियन लोकल फूड में। आज हम कालिम्पोंग में हैं और कालिम्पोंग में हम थुक्पा और मोमो खाने जा रहे हैं और हमारे जो दोस्त हैं वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में हमें लेके जा रहे हैं। सो ये रेस्टोरेंट उनका फेवरेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो नूडल्स है वो पैकेट का यूज़ नहीं करते हैं लेकिन अपने आप से बनाते हैं। और जो थुक्पा है, नॉन वेज का थुक्पा हम ट्राई करने जा रहे हैं और इसमें पहले सूप डाला जाता है, उसके बाद नूडल्स, उसके ऊपर में मीट और उसके ऊपर में जो ग्रीन हर्ब्स, प्याज, गाजर, ये सभी चीज़ों को डाला जाता है। तो थुक्पा ज़्यादातर इसी तरह से बनता है और मोमो, स्टीम मोमो। तो यहाँ पर जो प्राइस है थुक्पा का वो बहुत ही रिजनेबल है। ये थुक्पा जो हम खा रहे हैं ये 70 रुपीज़ का है और मोमो सिंगल ले रहे, सिंगल में 4 पीस आता है मोमो, स्टीम मोमो, और ये जो है 50 रुपये है। अगर आपको डबल प्लेट चाहिए तो 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है। और जो मोमो के साथ सूप एक्स्ट्रा दिया जाता है, यहाँ पर दार्जिलिंग, कालिम्पोंग में आप जहाँ पर भी आप मोमो खाने जाएंगे आपको सूप साइड में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत ही कंपल्सरी है मोमो के साथ, और चटनी, लोकल चटनी। सो जो यहाँ के जो रेस्टोरेंट के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, चेयरफुल है और बहुत ज़्यादा मज़ाक, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो खाना का जो स्वाद है वो डबल हो चुका है, स्वादिष्ट हो चुका है। तो ऐसे होता है अगर आप कहीं पर खाना जाए, अगर वहाँ के लोग बहुत ही चेयरफुल और वेलकमिंग होते तो आपको उस जगह में जाके खाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं समझ पा रही हूँ हमारे दोस्तों को ये जगह क्यों पसंद है। खाने के साथ साथ लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से सर्व किया गया है। और हम लंच के समय में गए हैं और इतना लंच काफ़ी है। आप देख सकते हैं विद इन 100 रुपीज़ में एक जन के लिए बहुत ही अच्छा लंच हमें मिल चुका है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, आपको दूसरी जगह में इतनी सस्ते में नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ बहुत ही साफ़ है जगह और टेस्टी भी है खाने में ये। और जिस तरह से फ्रेश नूडल का यूज़ किया गया है अपने ही से उन्होंने बनाया है, इसके लिए और भी ज़्यादा इसका जो वैल्यू है बढ़ जाता है। तो जो भी चीज़ आप अपने आप फ्रेश बनाते, पैकेट का यूज़ नहीं करते, उसका स्वाद ही थोड़ा और अच्छा होता है। तो हम इसे गरम गरम खा रहे हैं और अंकल हमें देख रहे हैं कि हम उनका खाना, रेस्टोरेंट का खाना इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पर जो होता है, जब भी आपको सूप दिया जाता है उसमें नमक या नमक नहीं दिया जाता है या अलग दूसरा जो मसाला है नहीं देते हैं। जब आपको दिया जाता है आप अपने अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं या चटनी भी ऐड कर सकते हैं इसमें, या और आपको ब्लैक पेपर भी दिया जाता है साइड में। तो आप जैसा खाना पसंद करते हैं आपका सूप, वैसे आप अपने आप बना सकते हैं इसे। बहुत ज़्यादा जगहों में सोया सॉस भी देते हैं, कितने लोग सोया सॉस को डाल के भी खाते हैं सूप में। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बॉल है और ये खा के पेट भर चुका है हमारा। तो छोटा सा रेस्टोरेंट है लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सर्व किया है, दिया है, और हमें भी खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिएगा, हम बहुत सारे लोकल डिश को, लोकल जगहों को आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। इसी तरह से इंडियन लोकल फूड को आप देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना।